गुड मॉर्निंग बच्चों, टेस्ट क्विज कोचिंग सेंटर जिसकी पढ़ाई ऑनलाइन होती है उसमें आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बेटा। और हम लोगों ने इस कोरोना काल में अभी तेजी से पूरे इंडिया में, छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कांटेक्ट आया कि सर हमारे पास पूरी टीम है, बहुत दिनों से ये टेस्ट क्विज कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। तो हमने इस बार अपनी पूरी टीम से डिस्कस किया हुआ है, तो डिस्कस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा शहर शहर गांव गांव में हम लोग ऑनलाइन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि अभी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, आप लोग बहुत कम एज वाले हो इसलिए आप लोग को घर से बाहर बिल्कुल भी अभी नहीं निकलना है। आप घर में रहिए, सैनिटाइजर लगाइए और अपने हाथ को बार बार धोते रहिए, ठीक है। तो आप लोग की सुविधा के लिए 11, 12 क्लास के सारे सब्जेक्ट हमारे टेस्ट क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, और मैं तो बोलूंगा मैं पढ़ाता ही वैसे हूँ बेटा, नामदेव सर हूँ, मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब मैं बच्चों के लेवल में जाके पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ कि किन बच्चों का लेवल कितना है, मैं उस लेवल से चालू करता हूँ ताकि मेरे सारे बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ टीचिंग वो बहुत अच्छे से समझे, ठीक है बेटा। और आप लोगों से मैं बिल्कुल बार बार बोलता हूँ कि आप बिल्कुल घर बैठे, सपोज अभी तो मे भी कि स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब देखो पहले क्या है, गांव वाले शहर आते थे पढ़ने के लिए, अब वही चीज आपके घर में बैठे बैठे मिल रहा है, और वो भी ऑफलाइन में। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो एक बार जो चीज को बोर्ड में लिखते हैं बेटा उसको हम लोग तुरंत मिटा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन की क्लास में हमारी वीडियो को आप बार 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 देख के, केवल वीडियो को देख के आपके सारे टॉपिक रट जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते बहुत दिन हो गया है, मैं भी ऑनलाइन की बहुत सारी क्लास लिया हूँ, तो मेरे को ये ज्यादा सूटेबल लगा, क्योंकि जब क्लास में अगर रहोगे तो भीड़ रहेगी, हल्ला होगा, पहले हम लोग लिखाते हैं उनको बच्चों को, फिर उसके बाद समझाते हैं। तो जो चीज अपने को यहाँ पे ऑनलाइन में 20 मिनट की पढ़ाई होती है वो ऑफलाइन की 1.5 घंटे की पढ़ाई है। पहले सारे बच्चों को आने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं उसमें हल्ला गुल्ला चालू, फिर हम लोग लिखाते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को सरल घनी सेल, अंतः केंद्रीय घनी सेल और फलक केंद्रीय घनी सेल को एक एक क्लास में पढ़ा दिया, जबकि वो ऑफलाइन होता तो ऑफलाइन में वो एक एक दिन में एक एक जाता। तो इसलिए मेरे सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी, हम लोगों ने टेस्ट क्विज एक ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, ऑनलाइन क्लासेस टेस्ट क्विज ऑनलाइन क्लासेस है, जिसके हमारा मुखिया जो पूरा संचालक है, जो संचालित कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर आप बिल्कुल नोट कर लीजिए बेटा, हो गया 9669680914, ये हमारे मुखिया है, मतलब ये संचालक है, वो ही संचालित करते हैं। आपको कोई चीज की भी बात करनी है, सर क्या है फीस, कैसा है फीस, कैसे वीडियो आएगा, कैसे वीडियो नहीं आएगा, वीडियो किस में आएगा, ये सारे डिटेल्स जानकारी के लिए आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब 9669680914 में आप तुरंत कॉन्टेक्ट करो। और उसका देखो आप यदि चाहो तो www.testquizin में आप लॉगिन करके पूरी डिटेल्स और वीडियो को भी आप देख सकते हो, क्लियर बेटा। तो आप लोग को पता होगा मैं तो नामदेव सर हूँ, मैं तो बोलता हूँ पूरी छत्तीसगढ़ में मुझे लोग जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे भी एक आदत है बेटा, अभी मैंने बहुत सारी क्लास लिया है, मैं क्लास के अनुसार अपने लेवल को लाता हूँ। जब मेरे को 11th में लाना है तो मैं 11th के लेवल में लाता हूँ, 12th में पढ़ाना है तो 12th के लेवल में पढ़ाता हूँ, जब मेरे को हाई लेवल की पीटी पीएमटी नीट की क्लास देनी होती है तो मैं हाई लेवल पढ़ाता हूँ। और इस बार मैं आप लोग को एक और फायदा देने जा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं 12th और 11th में ही आपकी ड्रॉपर, जो ड्रॉप करते हो, जो आप कोटा जाते हो, राजस्थान कोटा, एल एन वगैरह, और
और जाके भी कोई फायदा नहीं होता, वहां पे इतने सारे लोग बैठे रहते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE, IIT, नीट, PET, PAT, समझ में आया, ये सारे की भी क्लास हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जब भी आप एडमिशन लेंगे आप लिख देना कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा भी बनाने वाले हैं जिसमें 11+ कंपटीशन, जिसमें 12+ कंपटीशन, और प्योर 12 और प्योर 11, ठीक है। और मेरा सजेशन मानना बेटा, मुझे 25 साल हो गया बिलासपुर पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने एक चीज लिया है बेटा, 11-12 पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य रखो IIT और नीट। जिस दिन आप IIT और नीट सेलेक्ट हो गए, मतलब आप मान के चलना आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इसलिए वो तब संभव है जब आप नॉलेज रखोगे। तो नॉलेज कैसे मिलते हैं? ट्यूशन से मिलते हैं, आप किताब से पढ़ोगे, किताब का भाषा बहुत लेंदी रहता है, तो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत ईजी रहता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, तत्काल हमारे मुखिया इस नंबर पे 9669680914 में आप तत्काल कांटेक्ट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, और 11 जो भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है उसको आप डिटेल्स बता दीजिए बेटा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आज 12 क्लास का पढ़ा रहा हूँ, और 12th में आप सब बच्चों को पता है जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते चले जा रहा है, मैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेज, क्योंकि बच्चों का डिमांड रहता है बेटा कि चैप्टर 1 से पढ़ाइए, बच्चों का डिमांड रहता है चैप्टर 1 से पढ़ाइए। तो मैं चैप्टर 1 से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप जैसे आपके टीचर पढ़ाएंगे, अरे लगेगा यार नामदू सर ने हमको तो बढ़िया पढ़ा चुके हैं, वो आपके रिवीजन हो जाए, ठीक है बेटा। तो आज का मेरा चैप्टर 1 सॉलिड स्टेज, ठोस अवस्था का मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एंड टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप शायद आप लोगों को यहां तक नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, बहुत से बच्चे जीवन में पढ़ के निकल जाते हैं बट उनको सेमी कंडक्टर का मीनिंग नहीं पता होता है। तो हमारी केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस है मीन्स पदार्थ, वो तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है कंडक्टर, और थोड़ी थोड़ी आप लोग इंग्लिश मास्टर हो जाइए, क्योंकि 12वीं के बाद आप जाओगे किसी भी कॉलेज में, चाहे इंजीनियरिंग चाहे मेडिकल, आपको वहां थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ाते हैं कंडक्टर। अब उसके बाद नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ये, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, ये होता है। अब मैं जब अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला जा बेटा तू चल दे यहाँ से, तो बच्चा उठ के चल दिया, मतलब वो कंडक्टर, मतलब सिंपल भाषा में मेरा आदत है पढ़ाने का, ठीक है। किसी में भी अगर करंट डालते हैं, अगर वहां से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, इसको कंडक्टर। आपको पता है कॉपर है, आयरन है, एक्सेट्रा, सारे कंडक्टर है, मतलब इजीली करंट फ्लो हो जाता है। जैसे मैंने बोला किसी बच्चे को जा बेटा जा तू यहाँ चल दे, वो बच्चा चल दिया, मीन्स वो कंडक्टर है। किसी बच्चे को मैंने बोला जा, वो गया ही नहीं, अंत तक नहीं गया, वो नॉन कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, वो कभी पास नहीं करेगा, उसको कहते हैं क्या? बैड कंडक्टर। अब तीसरा सेमी कंडक्टर, बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता व्हाट इज सेमी कंडक्टर। तो मैं अपने बच्चों को बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। एक बच्चे को मैंने बोला जा बेटा, तो बच्चा नहीं गया, मतलब अभी क्या कंडक्टर, बिट कंडक्टर है। जब उसको एक थप्पड़ मारा रट से, जब उसको एक थप्पड़ मारा तो चल दिया वो, मतलब बिट कंडक्टर को कंडक्टर बनाना सेमी कंडक्टर, समझ में आया? बड़ा इजी। मैंने एक बच्चे को बोला जा बेटा यहां से, चल दिया, मतलब उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया, मतलब कंडक्टर। एक बच्चे को बोला जा बेटा, तो जीवन भर बोला मैं जाऊंगा ही नहीं सर, मतलब वो बेड कंडक्टर। एक बच्चा बैठा था, मैंने उनको बोला जा, नहीं गया, एक रापट मारा चल दिया, तो वो सेमी कंडक्टर। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है,
लेकिन उसमें कुछ मिक्सिंग करने से वो कंडक्टर हो जाता है। मतलब जिसमें दोनों फिनोमिना हो, जिसमें दोनों फिनोमिना हो, मतलब वो पहले बेड कंडक्टर रहता है। जैसे मैंने बच्चे का नहीं उदाहरण दिया आपको, मैंने उस बच्चे को बोला जा तो नहीं गया, मारा तो चल दिया। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन कुछ चीजों का मिक्सिंग करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इस कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब ये होता है उसमें दोनों नेचर होता है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन कुछ भी चीज उसमें मिक्सिंग करने के बाद वो करंट फ्लो हो जाता है, जिसमें दोनों नेचर होता है वो कहलाता है सेमी कंडक्टर। तो ये मैंने आपको सेमी कंडक्टर बताया, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक उस शब्द ही से पता चल जाए, अर्धचालक मतलब आधा गुण चालक का और आधा गुण अचालक का, अर्धचालक हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो मैं आज लोग को आप लोग को बेहतरीन ट्रिक से एन टाइप और पी टाइप को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं पहला ले रहा हूं एन टाइप। एन टाइप तो बेटा मैंने एन टाइप का मतलब यह होता है, जैसे सपोज हमारे अगर सपोज की कंडीशन में, जैसे मैं अपनी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ बच्चों को बकायदे इमेजिन करा के कि हमारे चार हाथ होते, एक दो तीन और एक चार, ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों को मैं मैदान में लाके बोलता सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जब मैं उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तब आप इमेजिन करो ऊपर से देख रहे हो अपने को एक जाल के समान संरचना दिखाई दे रहा है, मतलब किसी का हाथ छूटा नहीं है, मिलाने के लिए किसी का हाथ नहीं छूटा है, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो है अबेट कंडक्टर। फिर से इमेजिन करना बड़ा इजी, मैंने बोला हम लोगों के पास सपोज चार चार हाथ होते, एक दो तीन चार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं मैदान में उनको बोलता एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तो एक इधर से, एक इधर से, एक सामने से, एक पीछे से, मतलब एक जाल के समान संरचना बन जाता है, वो है अपना। जैसे मैंने चार हाथ का एग्जाम्पल दिया ना, मतलब चौदहवें समूह का तत्व, चौदहवें समूह का जो तत्व है बेटा, चौदहवें समूह में कार्बन को तो छोड़ देते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, मतलब इनके पास आउटर में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर में चार चार। मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि हमारे पास चार हाथ, तो हम हमारी तुलना मैंने इनसे किया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इनके पास भी चार हाथ है, मतलब चार फ्री इलेक्ट्रॉन है। उन लोग अब कैसे किए, उन लोगों को भुलाया, सारे सिलिकॉन को भुलाया, सारे सिलिकॉन आइए और बिल्कुल बॉन्ड बनाइए, हाथ मिलाना मतलब बॉन्ड बनाना, वो सारे एक दूसरे से बॉन्ड बनाए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो वहां से करंट इजीली नहीं जा रहा था। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, मैं इसको मिटा रहा हूं ना बेटा, आप सब याद करना ये चौदहवें समूह के तत्व है। जब मैं चौदहवें समूह के तत्वों को लिया, एक एक तत्व को बुलाइए, दूसरे को भी बुलाइए, तीसरे को भी बुलाइए, आप भी आइए, मैंने सबको एक दूसरे के साथ रखा, मैंने चौदहवें समूह में सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है बेटा। और मैंने बोला था आपको एग्जांपल, मेरा पढ़ाने का तरीके बहुत सरल है, मैंने बोला था एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ मीन्स इनके पास चार चार इलेक्ट्रॉन, इनके पास चार चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनके पास चार चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सर ये मैंने चारे ही है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक दूसरे के साथ आगे पीछे से बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें करेंट फ्लो नहीं हो पाता, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, जिसको हम बोलते हैं चौदहवें समूह का शुद्ध हो गया धातु, हो गया ऐसा चौदहवें समूह का शुद्ध धातु। फिर मैंने लिखा विद्युत का कुचालक, कुचालक ठीक है बेटा ऐसा। अब मैंने आपको तो शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि शुरू में वो बेड कंडक्टर रहे, लेकिन अगर कुछ चीज को मिक्स करते तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अब हम इसमें इम्प्यूरिटीज मीन्स अशुद्धियां, पंद्रहवें समूह की मैंने, पंद्रहवें समूह, आप सब बच्चे को मेरा अनुरोध है आप जब भी पढ़ते उस कॉपी में आप पीरियडिक टेबल बिल्कुल चिपका कर रखना, पंद्रहवें समूह में फास्फोरस ये सब है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब है, तो इसमें सपोज मैं फास्फोरस को मिला देता हूं, मे भी सब बच्चा जानता है फास्फोरस के आउटर मोस्ट में
पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, पांच इलेक्ट्रॉन। तब उसने, अब देखो जो मैं प्रैक्टिकल आपको बताया था ना, अब मैंने जो चार चार हाथ वाले बच्चों का जाल बनाया था उसमें से 20 से एक बच्चे को निकाल के मैंने पांच हाथ वाले बच्चे को डाल दिया, तो वो बच्चा क्या किया, चार हाथ को तो मिला लिया पड़ोसी से, एक हाथ उसके पास मिलाने के लिए नहीं कोई है, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पांच आठ मीन्स फास्फोरस, तो मैंने लिखा पंद्रहवे हो गया, पंद्रहवे समूह की अशुद्धियां, पंद्रहवे समूह की अशुद्धियां। जब मैंने इनको मिक्सिंग कर दिया, जब मैंने इनके साथ इनको मिक्सिंग कर दिया, जैसे उसमें किया था एक बच्चे को मैंने हटा के पांच हाथ वाले को डाला था, उसी तरह यहां पे ये बीच के सिलिकॉन को हटा के खुद वहां बैठ जाएगा। तब की कंडीशन में एरो के बाद दुनिया के कोई किताब में ये प्लस ये लिख दिया है, ये नाम दो सर्वस बताते हैं ये, ठीक है। हाँ, आपकी किताब में अब ऐसा दिखेगा, बीच में 15 समूह आ गया, इसने क्या किया, इसको हटा के आ गया, मतलब बीच में फास्फोरस आ गया, और उनके पड़ोस में 14 वाले ही हैं, उनके पड़ोस में 14 वाले हैं, वो 15 वाला जो अशुद्धि गया वो बोला हम भी आप लोगों से बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो बोला बिल्कुल बना लीजिए। तो इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, चार, इनके आउटर में चार इलेक्ट्रॉन, इनके भी आउटर में चार इलेक्ट्रॉन, इनके भी आउटर में चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके आउटर में पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे बॉन्ड बना लिया बेटा, और ये इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये अपने बाजू के सिलिकॉन से बॉन्ड बनाया है, ये भी अपने बाजू के सिलिकॉन से बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पे बॉन्ड बनाया सिलिकॉन से, ऐसे करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको अब इस क्रिस्टल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। और हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक नियम है, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा तो उसके मोमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। जब हम यहाँ पे दिए अशुद्धि डाल दिए 15 समूह का, तब ये विद्युत का अच्छा अच्छा चालक हो गया, चालक हो गया, जिसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो अब बहुत इजी बेटा, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है, व्हाट इज एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, अपनी कॉपी में मेरा भाषा सुन के आप लिख सकते हो। 14वें समूह के सभी तत्वों के आउटर मोस्ट में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ चार 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 संयोजी बंध बना देते हैं, ये बना हुआ है, जो मैंने बोला वो ये है, जो अभी मैंने बोला वो ये है बेटा, फिर से सुनना। 14वें समूह के तत्वों के बाह्यतम कोष में चार चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14वें समूह के बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर चार चार सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, जिसमें विद्युत धारा फ्लो बहुत कम नहीं के बराबर होता है। अब उसकी कंडक्टिविटी चालकता बढ़ाने के लिए उस प्योर क्रिस्टल में 15वें समूह दैट इज फास्फोरस, तो फास्फोरस की इंप्यूरिटी मिक्स करते हैं, तो फास्फोरस उस क्रिस्टल में चले जाता है और जाके बोलता है मैं आप लोगों से भी बॉन्ड बनाऊंगा। तो सिलिकॉन लोग बोलते हैं चलिए बनाइए बॉन्ड, तो कितनी बॉन्ड बना पाएगा, 15वें समूह मींस उसके आउटर में पांच इलेक्ट्रॉन, तो वो भी बोलता है कि आइए बॉन्ड बनाइए, तो चार ठो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी, किसी में भी करेंट जाना, मतलब आप याद रखना इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा, हो गया, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर मोमेंट करता है तो समझ जाना वो करेंट आसानी से फ्लो कर लेगा। तब हमने जब 15वें समूह की अशुद्धि मिला दी, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया, दिस इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको बढ़िया एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। अब मान लो पीटीपीएमटी के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, पीटीपीएमटी में बोल दिया सिलिकॉन में, आप याद रखो 14वें समूह में 15वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर एन टाइप, जहां नोट्स बना के वहां पे बिल्कुल लिख लेना, 14वें समूह में 15वें समूह की अशुद्धि, जैसे मैं बच्चों को कैसे नोट्स बनाता बनवाता हूँ, ताकि मेरे बच्चे टॉप 10 में आते हैं बेटा, मेरे बच्चे तो केमिस्ट्री में 99 नंबर लाए हुए हैं, तो मैं उनको पहले कैसे लिखाता हूँ, 14वें समूह के तत्वों के बाह्यतम कोष में चार चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जो सभी तत्व एक दूसरे के साथ चाचा सा संयोजी बनकर निर्माण करते हैं, जिसमें 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर 15वें समूह के तत्व 14वें समूह के तत्व के साथ चार चार बंध का निर्माण करते हैं। बंध के बाद, बंध के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। उसके बाद मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ एग्जांपल भी लिखो, दैट इज एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन के अवगर में चार इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत सारे सिलिकॉन्स आपस में मिलकर चार चार कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें फास्फोरस मिलाने पर फास्फोरस उस सिलिकॉन के साथ जाके चार चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास बच गया, जिसकी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाने के कारण वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो आप अपनी कॉपी में PTPMT के लिए याद रखना कि एन टाइप में कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। 14वें समूह में 15वें समूह की अशुद्धि, 14वें समूह मतलब 14वें समूह में आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड पेपर में दे दिया। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने से क्या प्राप्त होगा, लीड का पढ़ोगे तो जर्मेनियम में आर्सेनिक 15वें समूह का है, तो फिर से आप आंसर देना एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मान लो पेपर में दे दिया अपने पास सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो बहुत इजी बेटा, आर्सेनिक जो है 15 ग्रुप का 15वें समूह का है, पर से ऑब्जेक्टिव टिक लगा लेना एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को आज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बेहतरीन ट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे हमसे ज्वाइन कर चुके हैं वो तो बढ़िया, अपने आप को बढ़िया अच्छा मानिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, वो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि इस नंबर में आप तत्काल कॉन्टेक्ट करके पूरी डिटेल जानकारी ले लीजिए। तो बेटा आज मैं यही रख रहा हूँ, कल मैं आपको पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर पढ़ाऊंगा। मतलब अभी हम लोग ये मान के चलो कि एक एज ए डेमो, मतलब हम भी जब कोई बच्चा क्लास में आता है हम तत्काल उनसे फीस नहीं लेते, समझ में आया। हम उनको बोलते हैं कि पहले दो चार दिन आप हमको ऑब्जर्व कर लो, हम पढ़ाते कैसे हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब हम उनसे फीस की चर्चा करते हैं। क्लियर बेटा? तो आज मैं यही रख रहा हूँ। टेस्ट क्विज की ओर से आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल घर में रहिए और घर से बाहर नहीं निकलिए, निकलते हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर एनी टाइम आप अपने जेब में रखिए बेटा, ठीक। और जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। ये मैंने अब उसके बाद जैसे ही हमको पता चल जाएगा इतने सारे एडमिशन हैं तो हम फिर फटाफट अपना पढ़ाना रेगुलर वाली क्लास चालू कर देंगे, ठीक बेटा। ओके, गुड लक।